हेलो फ्रेंड्स, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है और यहाँ पे बदलाव हुए हैं। पिछले साल से देखिए, जो अभी तक यहाँ पे प्रवेश पत्र होते थे आपके, एडमिशन जो आपकी टाइमिंग होती थी जब आप जाते थे, ओपनिंग क्लोजिंग डेट टाइम होता था और आपके जो एडमिट कार्ड्स होते थे, वो सारी चीज़ों पर यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप अभी वीडियो देख लीजिए, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे, अगर वहाँ पर एक भी चीज़, एक भी डॉक्यूमेंट लाने में गलती हुई, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो आपको फिर से सेंटर जाने पर, फिर से घर आने में काफी समय लग सकता है और आपका पेपर छूट सकता है। इस वजह से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ यहां पे बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, बीएड प्रवेश परीक्षा जो यहां पे एक्चुअल में चीजें हैं, इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, देखिए, बायोमेट्रिक से लेके यहाँ पे आपके प्रवेश पत्र तक बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हेडिंग ही साफ साफ है कि बीएड प्रवेश परीक्षा में लगेगी अब बायोमेट्रिक हाजिरी। चीज़ें मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए, 15 को राजधानी में होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा में, जो 15 तारीख यानी 15 जून से आपकी बीएड प्रवेश परीक्षाएँ स्टार्ट हैं, ठीक है, अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में पेपर शुरू होने के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखिए, पहले क्या होता था कि थोड़ा सा लेट हो जाते थे तब भी जो है आपको एंट्री मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि बायोमेट्रिक चीज़ें लगा दी जाएंगी। साथ ही इस बार मैट्रिक उपस्थिति से भी गुजरना होगा। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर बीते वर्ष की तुलना में इस बार प्रवेश परीक्षा, जो प्रवेश है, प्रवेश के समय में 1 घंटे का बदलाव यहाँ पे किया गया है। ठीक है, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा, आप देख सकते हैं। इस बार जो प्रवेश परीक्षा है, सुबह 9 से दोपहर 12 और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक 2 पालियों में होगी, जबकि बीते वर्षों में यह पेपर सुबह 8 से 11 और दोपहर 1 से 4 के बीच में होता था। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे जो टाइमिंग है पेपर की, उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिल गया। ठीक है, देखिए, ये चीज़ सारी चीज़ एडमिट कार्ड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड्स आपके आ गए, मैं आपको बता दूँ बीएड के, अगर आप जो है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाके डाउनलोड कर लीजिए। दरअसल इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से कराया जा रहा है। राजधानी में परीक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुल सचिव को नोडल अधिकारी व समन्वयक प्रो, यहाँ पर प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह और प्रोफेसर ध्रुवसेन ने बताया कि परीक्षा के लिए राजधानी में 115 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें करीब 73,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो प्रवेश पत्र आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिली है कि जो प्रवेश पत्र की प्रतियां हैं, जैसे प्रवेश पत्र आप एक ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाते थे, अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र 2 प्रतियां साथ लानी होगी। एक चीज़ बता दें, जब आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे, साथ में एक फोटो अटैच करने का ऑप्शन आते हैं और एक तरफ फोटो आपकी लगी होती है, तो ऐसे केस में क्या करिए ना, आप एक जो है कलर प्रिंट निकलवा लीजिएगा और एक जो है आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा के 2 प्रतियां लेके जाइएगा। ठीक है, साथ ही फोटो आईडी प्रूफ और 2 फोटो की भी अनिवार्य रूप से लाना होगा। आईडी प्रूफ में आप अपना वो आधार कार्ड तो मस्ट है, वो ले सकते हैं, साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी आप ले सकते हो। ठीक है, और 2 फोटो भी ले जाना अनिवार्य है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और मतदाता पत्र में से कोई भी एक आईडी प्रूफ ला सकते हैं। अभ्यर्थियों को फोटो लगा एडमिट कार्ड की एक प्रति कक्ष निरीक्षक को देनी होगी। अब ये देखिए, यहाँ पे कन्फर्म कर दिया कि जो यहाँ पे साइड में फोटो लगानी होती है, जगह होती है, इसमें आपको एक फोटो अटैच करना है, फोटो अटैच करना, साइन करना है, नीचे साइन के ऑप्शंस भी होते हैं। इतना करके आपको एक प्रति देनी होगी और एक प्रति अपने पास रखनी होगी। तो ये सारे बदलाव देखने को मिले हैं यूपी बीएड में। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही अपडेट्स नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।